हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है द मेकोपीडिया। यहाँ आपको मेकअप से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती हैं और साथ ही मिलती है मेकअप प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग और रिव्यू। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है जो कि अगर कोई बिगनर्स है, कोई मेकअप ब्रश के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में ये वीडियो है। ये है एक मेकअप ब्रश का सेट जिसका नाम है कोस्टल सेंस। ये देखिए, ये मुझे 1520 में मेकअप ब्रश का पूरा सेट मिला था। फ्रेंड्स, इसे मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इतने सारे ब्रशेस हैं मेरे पास। इसमें से मैं आपको बता दे रही हूँ कि कौन से ब्रश का क्या यूज़ है, ठीक है। अभी मैं काफ़ी शॉर्ट में जस्ट ब्रश का नॉलेज दूंगी कि कौन सा ब्रश किस लिए यूज़ होता है, बस इतना ही बताऊंगी। और फ्यूचर में कभी अगर हुआ तो मैं ज़रूर आप लोग को ये अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास इतने सारे बड़े ब्रशेस हैं, ये देखिए, जिसमें से ये वाला जो ब्रश है इसे भी फाउंडेशन ब्रश कहते हैं। इससे हम फाउंडेशन को निकाल के, फाउंडेशन या कोई भी क्रायलॉन का जो बेस है उसको हम बेस लगाते हैं इस ब्रश से। उसके बाद ये जो ब्रश हैं ये देखिए, ये पूरा फ्लैट होता है, इसीलिए ये हमारे बेस को ब्लेंड करने में काम आता है। इससे हम बेस को ऐसे ऐसे ब्लेंड किया जाता है, काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है। स्पॉन्ज की तुलना में तो ये काफ़ी इजीली ब्लेंड हो जाता है इससे, और टाइम भी बहुत कम लगता है। और ये वाला जो ब्रश है, देखिए काफ़ी फ्लफी ब्रश है ये, इससे पाउडर लगाया जाता है। कोई भी टीएल पाउडर अगर हमने लगाया है, टीएल पाउडर को ऐसे ऐसे लगाया जाता है, इससे काफ़ी इजी होता है। और जब हम आई मेकअप करते हैं तो अगर कुछ डस्ट वगैरह अगर स्किन पे पड़ जाता है आई शेडो का, तो उसको भी इससे ऐसे करके रिमूव किया जाता है इस ब्रश से। उसके बाद ये जो ब्रश है, ये देखिए, ये दोनों एक ही टाइप का ब्रश है। ये बड़ा है और ये छोटा है। ये दोनों कंटूर ब्रश या ब्रॉन्जर ब्रश इसे कह सकते हैं, कंटूर करने में ये काम आता है। उसके बाद ये जो ब्रश है, ये भी फ्लफी है काफ़ी, इसे भी पाउडर वगैरह लगाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं, ये सारे ब्रशेस, ये इतने सारे जो ब्रशेस है, ये आँखों के लिए है, ये आई मेकअप इससे किया जाता है। इतने सारे ब्रशेस, बिगनिंग में इतने सारे हमें ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कम से ही हो जाता है। जैसे कि ये वाला जो ब्रश है देखिए, काफ़ी फ्लफी है, इससे हम आई शेडो को ये ब्लेंड करने के लिए ये काम आता है। क्रीज पे जो शेडो लगाते हैं उसे ये ब्लेंड करने के लिए, इसे ब्लेंडिंग ब्रश कहते हैं। ये ब्लेंड करने के लिए काफ़ी इजीली हो जाता है इससे ब्लेंड। उसके बाद ये देखिए, ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है। ये देखिए, ये जो एंगुलर ब्रश है, देखिए यहाँ से एंगल है और एक एंगुलर ब्रश है, दो एंगुलर ब्रश है इस सेट में। इससे बेसिकली काजल अप्लाई किया जाता है, काजल लगा सकते हैं या आईब्रो फिल करने के लिए ये यूज होता है। और दोस्तों, ये जो ब्रश है, ये ब्रश ऐसा, ये जरा फ्लैट है,
अगर हमें बेस लगाना, अगर कट क्रीज बनाना हो तो इस ब्रश से इजीली हो जाता है वो। फ्रेंड्स बेसिकली मैंने जितने सारे ब्रश दिखाए उससे आई मेकअप हो जाता है, इसलिए इतने सारे ब्रशेस का अभी ज़रूरत नहीं है। बिगनर्स के लिए इतने सारे जितना मैंने बताया उससे ही हो जाता है। और मेरे पास और एक ब्रश है, ये इसी के साथ, इसी सेट के साथ ही मिला था ये ब्रश। ये देखिए, ये इसे कहते हैं जो बंगाली ब्राइड में जो कोलका वगैरह बनता है ना, वो इससे होता है, या बिंदी ब्रश इसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा ब्रश। ये मैंने आपको बेसिकली एक छोटा मोटा नॉलेज दिया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।